जनपद आगमन पर। आजमगढ़ 10 विधानसभा सीट है, 2 लोकसभा है, बहुत बड़ा जिला है और बड़ी शक्ति है यहाँ का। आजमगढ़ के वासियों को मैं धन्यवाद देने आया हूँ कि उन्होंने मेरे उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए मैं MLC बनाया गया, और मैं तत्पर रहूँगा कि आजमगढ़ की जनता की आवाज़ को मैं विधानसभा में उठाकर उन्हें न्याय दिलाने का काम करूँ। आज एक सम्मान समारोह रखा है हमारे लोगों ने और रोड शो भी रखा है। इनका प्यार और स्नेह और जो दिल का उद्गार है वो आज उमड़ता हुआ जो जनसैलाब है, इन्हें बधाई और धन्यवाद देने आया हूँ। इन्होंने जो 2 जून की रोटी जिनके पास नहीं थी, कपड़े नहीं, मकान नहीं, उनकी एक आवाज़ बनी। निषाद निर्बलों की पार्टी है, निर्बल इंडियन सोशलिस्ट आराम दल, और उस आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लेटफार्म दिया। और 70 साल में पहली बार कि एक मछुआरे के बेटे जो गरीब परिवार में पैदा हुआ उसके उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने मनोनीत किया। वोट और नोट से तो बहुत लोग जाते हैं शक्ति से, लेकिन एक मनोनीत बहुत बड़ा माने रखता है। तो अगर हमें मनोनीत किया है तो हम अपने उद्देश्य पर खरा उतरूंगा। 2022 की एक आधिकारिक घोषणा हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी अपना दल का कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो जो भी NDA ने सीट निर्धारित की है जीतने की, वो निश्चित रूप से उसके ज़्यादा सीट जीतने दिलाएंगे। और आजमगढ़ में निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टियाँ उस नीतियों को जनता तक फैलाकर और 10 सीट पर निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने के लिए प्रयास करेंगे। इन्हें बताने आया हूँ कि भाई आपका एक गौरवशाली इतिहास रहा, 18% वोट है। आज के दिन में जाइए थाने में तो 5 हाथी के दरोगा होंगे, 5 साइकिल के, 5 वर्तमान के, इनका एक कर्मचारी भी नहीं है उसमें, एक सिपाही नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में इनको कहने आया कि EVM मशीन, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लेकिन वो जो है EFR एम्प्लाई नौकरी भी देता है, BFR बिला मकान भी देगा, MFR मतलब आपके हिस्सेदारी के सब पैसे मिलेंगे। तो इन्हें बताने आए कि लोकतंत्र में आपके अपनी संख्या के हिसाब से एक नेता, एक नारा, एक झंडा उठाओ और सभी निर्भरों का भला करो। आप लोग तीन ऐसी सोच हो रही है वो। अखिलेश जी तो 2019 में भी दावा कर रहे थे, 40 साल से अलग अलग थे, हाथी और लाठी अलग अलग थी 30 साल से। कैसे कैसे नाम बदलते थे, कैसे बसपा नाम बदलती थी, कैसे बसपा की सरकार आती थी, ST एक्ट लगवाती थी, इनकी सरकार आती थी, ये उनको पिटवाते थे, यही 30 साल चला ना। तीनों को मैंने 30 साल से इकट्ठा कर दिया था, 32 साल के बाद डॉक्टर संजय 2018 में इकट्ठा कर दिए थे। गोरखपुर, फूलपुर, कैरान, अनूरपुर जिताया था, उपचुनाव सरकार का होता है, लेकिन डॉक्टर संजय ने अपनी रणनीति से सरकार के खिलाफ मैं चुनाव जिताया था, लेकिन हमें मारने में अपने मर रहे हैं दोनों, फिर अलग हो गए। जब दोनों एक होकर 2019 में कोई इतिहास नहीं बना पाए तो अलग अलग रह के क्या इतिहास बनाएंगे। अब बसपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, तो अब उस इतिहास को बनाने के लिए उन्होंने अवसर दिया और डॉक्टर संजय बनाएंगे इतिहास। आपने कहा मोदी जी का धन्यवाद किया कि डॉलर की कीमतें, डॉलर स्थिर हो गया, तो धन्यवाद क्या जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, और उसे जब रोकना होगा तो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी। मैंने कहा ना कि अभी हम सत्ता से बाहर हैं, अभी हम सत्ता के साथ हम आएंगे, अभी 6 महीने बाद आएंगे, अभी तो सदन में हमें MLC बनाया गया। जब हम मौके पर जाएंगे तब निश्चित रूप से महंगाई के खिलाफ, दुर्व्यवस्था के खिलाफ, शासन जो भी कोई इस अपराध रोकने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज़ उठाएंगे और कानून बनवा कर उस पर रोक लगाने का काम करेंगे।